मेहंदी का प्लांट घर में कैसे उगाए, पत्ता कैसे तोड़ी, उसको कैसे पीसी, अपने बाल में लगाए और ये नेचुरल हेयर मास्क घर पे ही रेडी करी। तो सबसे पहले तो कॉलम कहीं एक पेड़ से लाई थी, लगाई गमले में, और गमले में लगाने के बाद, मतलब बहुत सारा लगाने के बाद, कुछ कुछ प्लांट्स ग्रो किए और ये ग्रो किए हैं 3 गमले में, और उसके बाद इतनी सारी पत्तियाँ आप देख पा रहे हैं। ये मेरे घर का है। अगर आप भी चाहते हैं कि जो आप हेयर मास्क बना रहे हो बालों को कलर करने के लिए या फिर ऐसे ही शाइन करने के लिए या फिर रूखे पे जाना है आपके हेयर, तो इसके लिए अगर आप हेयर मास्क ढूंढ रहे हो तो मेहंदी से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये नेचुरल हेयर कलर है और ये इसके ना फ़ायदे बहुत हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। एक तो आप देख लीजिए कि ये एक हेयर कलर है और मुझे अपना हेयर तो कलर नहीं करना है, बट मुझे अपने बालों में चमक चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कंडीशनर जैसा हेयर मिलना चाहिए जैसे कि मेरे बाल सिल्की और सॉफ्ट बने, इसलिए मैं मेहंदी का पौधा आज यूज़ में लाने वाली हूँ, पत्तियाँ यूज़ में लाने वाली हूँ। तो ये मैंने अपने घर में उगाया है, 3 आप देख सकते हैं गमले। मेरे जो बाल हैं आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रूखे और बेजान हो गए हैं, मतलब मैंने 2 दिन पहले शैम्पू किया है फिर भी बालों की हालत क्या है आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही मतलब उदास उदास सा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अपने घर में ही ये पत्ता निकाल ले रही हूँ क्योंकि मैंने घर में ही इसे उगा लिया है, और अब से अगर ये जब भी निकल जाएगा तो मुझे लगता है 15 से 20 दिन में जितना निकलता है तो मैं अगर सोचूँ तो महीने में भी एक बार तो अपने बालों में पत्ते लगा ही सकती हूँ। आप चाहे तो इसमें अड़हुल का पत्ता भी मिक्स कर सकते हैं, फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे केवल और केवल पत्तियाँ ही यूज़ करने वाली हूँ। तीनों का कटिंग कर दी हूँ और इसमें रोज़ मैं पानी डालती हूँ और पूरी गर्मी में इसको बचाई हूँ मैं धूप से, नहीं तो कितने सारे पौधे मर जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा रोज़ पानी डालते गए। अभी ये बरसात का दिन आ गया और लगभग 6 से 7 महीने में ये पौधा मेरा इतना तैयार हुआ है। अब इसकी पत्तियाँ जो है, जो मोटे मोटे तने में है, उसको निकाल ले रही हूँ और जो नाजुक है उसको ऐसे ही तोड़ के रख ले रही हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी पत्तियाँ मेरे पास हो गई। और पता है, कहते हैं कि एक मेहंदी होता है और एक, मतलब एक मेल होता है एक फ़ीमेल होता है, मुझे लगता है कि लोग इसको कहेंगे फीमेल नहीं कहेंगे, इसको मेल कहेंगे, इसको बोलेंगे मेहंदी का पत्ता नहीं मेहंदा, ऐसा भी लोग गांव में बोलते हैं। तो ये पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा नाजुक और सॉफ्ट है। इसको मैं मिक्सी के जार में डालूँगी और हल्का सा पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। तो हल्का सा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं पानी डालना है, नहीं तो बहना शुरू हो जाता है। और देखिए अभी बारिश का दिन है ना, तो अगर आप बाल में लगाएंगे तो पतला रहेगा तो वो बहना शुरू हो जाएगा पसीने के साथ भी, और मोटा रहेगा तो आपका ऊपर ऊपर अच्छे से हेयर में लग जाएगा। और पतला रहने से क्या है ना कि स्किन के अंदर चली जाती है, और मेहंदी में क्या है ना, ठंडक प्रदान करने वाला गुण होता है। अगर आपका सिर में जलन हो रहा है ना बहुत तेज़, तो आप लगाइए ना मेहंदी का पत्ता और ये आपको ठंडक प्रदान करेगा सिर में। ये देखिए मेरे हाथों में कलर आ गया है, यानी कि इसका जो मेहंदी का कलर है वो काफ़ी अच्छा आता है, और इसको पहले भी मैं हाथ में और बालों में लगाई हूँ और आपको दिखाई भी हूँ हाथों में लगाई थी, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब बिना कोई सीखा पढ़ाई के मैं इसको नॉर्मली जैसे घर में लोग लगाते हैं ना मेहंदी, वैसे ही लगा रही हूँ, क्योंकि मेहंदी मेरे पास इतना नहीं था कि मैं पूरे बाल में लगा पाऊँ। क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से मेहंदी लगाते हो ना बालों में, तो इसके लिए आपको ना बहुत सारा मेहंदी चाहिए होता है, ब्रश से लगाओ, एकदम सलीके से लगाओ, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको जैसे मन कर रहा है वैसे ही आप मेहंदी लगा लीजिए। देखिए मेरे पास मेहंदी ट्यूटोरियल की काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पे है और काफ़ी अच्छा खासा व्यूज़ भी उसमें गया है, मतलब लाखों में व्यूज़ गए हैं, और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब आप लोगों के साथ अलग अलग तरह से मेहंदी ट्यूटोरियल का भी वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि आप लोगों को ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए अगर आप डरते हैं कि मार्केट से अगर कोई भी मेहंदी का पाउडर ला रहे हैं तो उसमें केमिकल होता है, होता ही है, तो आप ऐसा करें ना घर पे ही लगा लें। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो मेहंदी का प्लांट, मैं मेहंदी का प्लांट ऑनलाइन भी मंगाई थी जो मुझे 150 की लगभग मुझे पड़ी थी अमेजोन से, और वो प्लांट मैं अपने ससुराल में लगाई हूँ और काफ़ी बड़ा हो गया है, उसकी भी मैं वीडियो यूट्यूब पर डाली थी, काफ़ी लंबा और बड़ा हो गया। देखिए गमले में लगाने से उसकी ग्रोथ है ना धीरे धीरे होती है, कम पत्तियाँ आएंगी, लेकिन आप ज़मीन पर लगाते हो तो काफ़ी ज़्यादा आती है। चलिए अगर आपको मेहंदी का पत्ता नीड है, बहुत ज़रूरी है आपको, तो आप क्या करें ना एक बड़ा सा ड्राम ले लें प्लास्टिक के, मुझे लगता है 800-900 का मिलेगा, या फिर उससे कम का भी ले सकते हैं, और उसमें आप लगा ले, आपका पेड़ एक तैयार हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप मेहंदी का पेड़ अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। मैं तो यहाँ प्लांट ही तैयार करी हूँ और छोटे छोटे गमलों में। मुझे नहीं लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन महीने में मुझे या फिर 15 दिन में एक बार तो पत्ती ज़रूर मिल जाएगी कि मैं अपने बालों में ऊपर ऊपर भी लगा लूँ। तो इतना ही लग पाया है और बाकी नहीं लगा। आप देख सकते हैं काफ़ी जगह खाली रह गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आगे में कलर चाहिए था तो बस लगा ली। और इसका प्रोसेस क्या है, मेहंदी लगाने के बाद क्या क्या प्रोसेस आपको करना है, चलिए आइए बताती हूँ। बहुत लोगों को पता होता है फिर भी वो नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। मेहंदी लग चुका, अब इसमें धूप नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेहंदी लगे बालों में अगर धूप पड़ जाती है तो जावेद हबीब के अनुसार हमारे बालों का जो टेक्सचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है और बाल रूखे हो जाते हैं। कितना भी आप मेहंदी लगा ले और आप सोचेंगे ना कि अरे मैं तो मेहंदी लगा ली हूँ अब मेरे बाल सिल्की सॉफ्ट होंगे, नहीं। मैंने ये चीज़ें नोटिस करी है कि मैं कुछ टाइम पहले, एक साल पहले की बात कर रही हूँ, कुछ टाइम पहले मैं जब मेहंदी लगाती थी तो बाल में प्लास्टिक नहीं लगाती थी, और लगाती भी थी ना तो धूप में बढ़ जाती थी कि जल्दी सूख जाए। एक दो बार मैंने ऐसा किया है, मैं देखती थी कि मेहंदी लगाने के बाद मेरे बाल जो है ना वो ड्राई ही रह जा रहे हैं, सॉफ्ट हो ही नहीं रहे हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस में सुना कि मेहंदी लगा करके धूप में नहीं बैठना है, प्लास्टिक से कवर कर लेना है। इससे क्या है ना, भाप बनता भी है तो वो बाल के अंदर ही रहता है, ड्राई नहीं होती है, बाल को सुखाना नहीं है। 2 घंटे बालों में मेहंदी रखी, उसके बाद मैं हल्का सा शैम्पू यूज़ करी क्योंकि मेहंदी का पत्ता जल्दी नहीं निकलता है, इसलिए चाहे तो आप बिना शैम्पू के भी धुल सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैं शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ ना तो बाल बहुत ज़्यादा उलझे उलझे लगते हैं और बाल जल्दी कंघी नहीं होता है और पत्ते भी बाल में फंसे रह जाते हैं, निकलते नहीं अच्छे से, इसलिए मैं हल्का सा शैम्पू कर लेती हूँ। उसके बाद शैम्पू करने के बाद जब मेरे बाल ऐसे सूख गए, झाड़ने के बाद सूख गए तो कुछ इस तरह से शाइन कर रहे थे। अभी इसमें मुझे तेल भी लगाना है। देखिए मेहंदी लगाने से आपका हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, थोड़ा सा बाल अगर पतले पतले से दिख रहे हैं ना थोड़ा सा वॉल्यूम आता है, थोड़ा सा घना दिखने लगेगा, चमक आती है बालों में। जब आप धूप में जाओगे ना तो मेहंदी का जो एक कलर होता है बरगंडी कलर, वो आपको शो करेगा कितना ज़्यादा शाइनी शाइनी सा लग रहा है मेरा हेयर, आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही शाइन करने वाला बाल बहुत पसंद है, तो आप भी अगर चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ठंड में लगा रहे हैं तो थोड़ा कम टाइम लगाएं क्योंकि सर्दी हो सकती है आपको या फिर बुखार भी आ सकता है। ठंड में भी आप ऐसे ही करें, थोड़ा कम टाइम के लिए मेहंदी बालों में लगा सकते हैं या फिर ऊपर ऊपर लगा सकते हैं। अब जैसा कि बाल मेरे सूख गए हैं अच्छे से, तो मैं यहाँ पर तेल ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि इससे क्या है ना मेरे बालों को पोषण मिलेगा, एक कोटिंग हो जाएगी बालों में ताकि जो मेहंदी का कलर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो जिस दिन मैं मेहंदी लगाती हूँ बालों में उस दिन मैं 2 घंटे रखती हूँ, फिर पानी या हल्का सा शैम्पू से उसको धुलती हूँ। जब बाल सूख जाते हैं फिर तेल लगा लेती हूँ शाम तक में। तो ये तेल मैं शाम तक में लगा रही हूँ, नारियल तेल। आप चाहे तो जो पसंद हो वो तेल लगाए, और उसके बाद जब मेरे बाल अगले दिन शैम्पू करे मैंने, तो उसके बाद आप देख सकते हैं शैम्पू करने के बाद मेरे बाल और भी ज़्यादा शाइनिंग कर रहे हैं और सिल्की सिल्की से लग रहे हैं। कलर उतना ज़्यादा मुझे पता नहीं चल रहा था, मुझे लग रहा है शायद बहुत कम मेहंदी का पत्ता था इसलिए कम कलर आ रहा है, लेकिन आप फिर भी आप चमक देख सकते हैं, अच्छा खासा चमक आया है। तो इसी तरह की मेहंदी ट्यूटोरियल की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो, और अगर यूज़फुल लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।